अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर के गैंग का खुलासा। दो चोर गिरफ्तार, दो बुलेरो बाइक व अल्टरनेटर हुआ बरामद। आप सभी का सबसे तेज खबर सरोस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर कोतवाली नानपारा और एसओजी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की बुलेरो बाइक और अल्टरनेटर बरामद किया है। बरामद वाहन को सीज कर चोरों के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक बिंदा शुक्ला ने नानपारा और मोतीपुर क्षेत्र में हो रही वाहन चोरी के खुलासे के लिए एसओजी और थाने की पुलिस को लगाया था। एसपी ने बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे की देखरेख में कोतवाल आरके सिंह और एसओजी प्रभारी अनुज कुमार त्रिपाठी की टीम ने कोतवाली नानपारा क्षेत्र के कुर्मियन पुरवा बाईपास मार्ग पर एक बुलेरो बरामद की। वाहन चोरी की मिली सभी चोरी के वाहन का नंबर बदलने के साथ उसे पेंट कर नेपाल बिक्री के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों से दो अन्य चोरी के वाहन बरामद किए। दोनों बुलेरो वाहन मोतीपुर थाना क्षेत्र के मेहीपुरवा स्थित सोनू उर्फ धर्मेंद्र की दुकान से बरामद किया गया। इसके अलावा एक बाइक और एक चोरी का अल्टरनेटर बरामद हुआ। बरामद वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है। कोतवाल ने बताया पकड़े गए चोरों की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के तमोलियनपुरवा गाँव निवासी धर्मेंद्र उर्फ सोनू पुत्र राम निवास, कोतवाली मुलतिहा के ग्राम चुदवा निवासी संजय पुत्र गंगा बिसुन के रूप में हुई है। सभी जिलों में वाहन की चोरी कर नेपाल में बिक्री करते थे। सभी के विरुद्ध केस दर्ज कर जेल भेजा गया है। टीम में उप निरीक्षक नितिन उपाध्याय, एसआई पुनेंद्र नारायण पांडे, दीपक सिंह आदि। 18 और 19 की रात को दो बुलेरो चोरी की सूचना थाना नानपारा को प्राप्त हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और बहुत जल्दी ही एसओजी की टीम और नानपारा थाने की टीम ने इस पे कार्य शुरू कर दिया था और दो ही दिन के अंदर भारी सफलता इनको मिली है। जब दो अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ सोनू जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और संजय जो कि मोतीहा थाना क्षेत्र का निवासी है, जिन्होंने ये दोनों गाड़ियां चुराई थी और नेपाल इनको ले जा रहे थे बेचने के लिए, तो बॉर्डर के नजदीक ही इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया और इनकी निशानदेही पे ये गाड़ियां बरामद हुई और पूर्व की एक चोरी की हुई मोटरसाइकिल और अल्टरनेटर ये भी इनके पास से बरामद हुआ। इनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से वाहन चोरी करते हैं और उसका नंबर बदल देते हैं और गाड़ी का रंग बदल देते हैं और फिर इसको नेपाल के प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं। तो इस समयबद्ध सफलता के लिए एसओजी टीम को और नानपारा टीम को मैं बधाई देना चाहूंगी कि इतनी तत्परता से संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इनको आज जेल भेजा जा रहा है और बहुत जल्दी इनके विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, इनके द्वारा इनके खिलाफ पूर्व में नानपारा थाने में 2019 में थाना मोतीपुर में भी एक मुकदमा पंजीकृत है और अब तीन मुकदमे हाल ही में भी। ये अभी तो जो जानकारी आई है दो लोग हैं जो कि आपस में रिश्तेदार हैं और मिलकर काम करते हैं। अभी अन्य यदि इनके गैंग में सदस्य हैं जो इनका सहयोग करते आए हैं पूर्व में, उसकी जांच विवेचना के क्रम में स्पष्ट